हे नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे डिक्शन टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। इसके क्या नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट टारगेट रह सकते हैं, उस पर करेंगे आज चर्चा। देखिए, अगर मैं बात करूँ स्टॉक को, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है 4616.45 रुपीज़ पर। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छे खासे मूव के साथ अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं वहाँ तक लेवल्स गए जरूर, बट वहाँ से हमें एक डिफरेंट टाइप की एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन आज के दिन देखने को मिला। गिरावट कहीं ज़्यादा थी, बट कहीं ना कहीं इन द एंड ऑफ द डे अपने जो बायर्स थे उन्होंने इसको सस्टेन किया, एक अच्छे खासे लेवल्स पे ज्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। तो अगर मैं बात करूं क्या हमें इन द अपकमिंग टाइम इसमें कैसे मूव देखने को मिल सकते हैं, देखिए अगर हम प्रीवियस टाइम से इसमें लॉजिकल बेसिस पर बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जिस तरीके का पैटर्न स्टिक यहाँ पर फॉलो हुआ था, अपसाइड ट्रेंड में ब्रेक डाउन देन अप और फिर एक एम पैटर्न बनते हुए में एक ब्रेक डाउन देखने को मिला था, वहीं अगर हम अभी की बात करें तो देखिए सेम पैटर्न स्टिक फॉलो हुआ है। यहाँ पे आप एक चीज़ अगर गौर करेंगे तो नीचे आया, डब्ल्यू का पैटर्न फॉर्म किया, ब्रेकआउट दिया और एक अच्छे खासे लेवल्स पर आके स्टैंड कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 4616 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें मोमेंटम का वेट करना है, अदरवाइज इसमें कभी भी आपको एक डाउन साइड में ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ डेली बेसिस, देखिए डेली तो नहीं, कहीं ना कहीं दो तीन दिन के बीच बीच में आपको अपडेट करता रहता हूँ। सो आप उससे एक अपडेट ले सकते हैं कि क्या इसमें हमें नेक्स्ट मूव लेना है। तो आपको जो नेक्स्ट मूव इस स्टॉक में रहेगा 4616.45 रुपीज़ के अपसाइड में ब्रेक करता है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक अच्छी खासी कैंडल को ब्रेक करने देना, यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल बनती है ग्रीन कलर की तभी हम इसमें बाइंग करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसी कैंडल बनती है जो इसको टच करती है और एक हैमर इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न बनाती है तो हम इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनाएंगे। बाकी अगर आप ऑलरेडी बायर्स हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसमें बुलिश मोमेंटम के लिए वेट करना चाहिए। और देखिए अगर यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपसाइड ट्रेंड दिखा है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन से हमें डरेंगे नहीं, दोबारा से हो सकता है यहाँ से वापसी ले और इस ब्रेक को अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ हमें ये लेवल्स ब्रेक होते हुए भी दिखे। सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम वेट करेंगे, वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रखेंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ इस स्टॉक से निकल भी जाएंगे।